तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हम यूनिवर्सिटी से सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो हमें बस इंग्लिश में उसका पीडीएफ मिलता है, हिंदी में नहीं, जो कि कभी कभी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट्स के फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है और किससे क्वेश्चन आते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होगा कि बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें टोटल 6 यूनिट है। 6 यूनिट के पहले यूनिट के बारे में बात करने वाले। तो पहले यूनिट का नाम क्या है? पहले यूनिट का नाम है दोस्तों शैक्षिक प्रशासन अर्थ और प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीजें पढ़नी है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? ये तो हो गया आपका चैप्टर का नाम। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? इसके अंदर जो फर्स्ट लेसन है या फिर फर्स्ट पॉइंट कह लीजिए, वो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि क्षेत्र और उद्देश्य शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र और उद्देश्य। दूसरा है दोस्तों टाइप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कितने प्रकार के शैक्षिक प्रशासन होते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, यानी कि थियरीज और प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फंक्शन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शैक्षिक प्रशासन के कार्यविधि। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। मतलब सिंपल सी बात करें तो आपको फर्स्ट शीट में ये पढ़ना है कि शैक्षिक प्रशासन की अर्थ क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ मुख्य सिद्धांत हैं शैक्षिक प्रशासन के। देयर आर अ फ्यू थियरीज प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें पढ़ना है, और साथ ही साथ शैक्षिक प्रशासन के प्रकार और इनकी कार्यविधि कैसे कार्य करते हैं। तो द फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशंस, स्कोप्स, एरिया, नेचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ना है शैक्षिक प्रशासन के, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्टली फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 नंबर के सवाल तो कन्फर्म आने हैं, इसी पॉइंट से आने हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि आज तक 2017, 18, 19, 20, 21 आज तक इन 5 सालों में कितने क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आए हैं और किस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आए हैं। तो आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा, इस थंबनेल पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। यकीन मानिए मुश्किल से 3 और 4 ऐसे सवाल हैं जिसको बार बार रिपीट किया जाता है, 15 नंबर में सेक्शन सी में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, इस वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स भी मिलेंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास टाइम है तो हम क्यों ना पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जब आपका एग्जाम आए और आप सीरीज अपने हाथ में रखें तो आपको ये लगे कि ये सारी पॉइंट्स पढ़ी लिखी गई हैं, ये सारी पॉइंट्स आपको पता है, क्योंकि आप मैं नहीं चाहता कि आपको स्ट्रेस लेना पड़े एग्जाम्स के टाइम में। तो इस बार की पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं पहले से ही और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एक एक पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में टोटल इतना ही था, शैक्षिक प्रशासन की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, इसका क्षेत्र, इसके प्रकार और इसके सिद्धांत और इसकी कार्यविधि, तो इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 से लेकर 2021 तक और उनके आंसर्स क्या हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें, और हाँ आप भी तैयार हो जाइए, आप भी तैयारी कर लीजिए, अब साथ में मिलके पढ़ने। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मोस्टली मैं कहता नहीं, वो ये है कि वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप्स, राइट। वहाँ पे हम कुछ बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, पर हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे से क्वेश्चन जो भी हो हम एक दूसरे से शेयर करके पढ़ते हैं, डिस्कस करके पढ़ते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो उस टेलीग्राम चैनल में एक दूसरे से पूछते हैं और हेल्प करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है। इफ़ यू हैव अ टेलीग्राम अकाउंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू क्लिक अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन द टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ, क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जुड़ जाइए, ताकि अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो, कोई मशवरा हो, या फिर आपके पास भी कोई सवाल हो, तो हम उस टेलीग्राम के माध्यम से एक दूसरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि 2017 से 21 तक यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसके आंसर्स क्या हैं और कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे हर साल 20 नंबर के सवाल आते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद, जय भारत। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।